जब भोजन के कण हमारे मुख गुहा में आता है, ठीक है, ऐसे समझिए, जब भोजन के कण हमारे मुख गुहा में आता है तो हम चबाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि दांत के माध्यम से भोजन के कणों को पीसते हैं और लार ग्रंथि से लार निकलता है जो कि भोजन को चबाने में मदद करता है। अब लार से सना हुआ भोजन भोजन जो है मुख गुहा से कहाँ जाएगा, ग्रसनी में। ग्रसनी में दो छिद्र, कौन कौन सा, एक निगल द्वार और एक कंठ द्वार, ठीक है, कौन कौन सा, निगल द्वार और कंठ द्वार। जब भोजन के कण ग्रसनी में आता है तो यहाँ पर कंठ द्वार के पास एक पट्टी पाई जाती है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं और भोजन इस कंठ द्वार में नहीं जा पाता है इस एपिग्लॉटिस के कारण। तो क्वेश्चन पूछेगा भोजन को कंठ द्वार में आने से कौन रोकता है, तो एपिग्लॉटिस रोकता है। अब ये भोजन के कण ग्रसनी में आएगा, ग्रसनी में आया उसके बाद ग्रासनली में जाएगा, ग्रासनली में तरंग के तरह संकुचन और शीतलन होता है जिसको क्रमाकुंचन बोलते हैं। फिर भोजन अमाशय में आएगा, अमाशय में भोजन 4 घंटों तक रहता है और अमाशय में ही जठर ग्रंथि पाया जाता है जिसमें कि जठर रस का निर्माण होता है। और ये जो जठर रस में मेनली हम बात कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो क्या करता है, भोजन को पचाता है और भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट करता है, या कह लें प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। उसके बाद ये भोजन के छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, और सबसे बड़ा भाग इलियम होता है। जब भोजन पच जाता है तो इलियम के विलाय के द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और जो अपचा भोजन बचता है वह रेक्टम में संचित रहता है और समय समय पर शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब जब इतनी क्रियाएँ होती हैं तो इतनी क्रिया से ही हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बनता है, इसके बाद और भी क्रियाएं होती हैं। इतना यानी भोजन पच गया और सिर्फ एनर्जी मिल गया, ऐसा अगर हम लोग सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। भोजन के पचने से एनर्जी नहीं मिलता है, उसके बाद और भी क्रियाएं होती है, वो सारा हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो अगला चैप्टर है आपका रिस्पायरेशन, उसमें सारा चीज़ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो के जस्ट नीचे रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ,